वरुण शुक्ला ने ट्विटर पर लिखा है, देश की सबसे ज्यादा शेयर होल्डर वाली कंपनी है। स्नेहा जी आप समझ गई होंगी, यस बैंक ले रखा है इन्होंने 19 रुपए 85 पैसे में। क्या करना चाहिए इनको? अगर आप ये काउंटर देखें तो काफी अच्छा करेक्ट हुआ है, बट अभी जैसे फ्रेश लॉन्ग करने की तो सलाह किसी को हम देते नहीं है इसमें अभी के लिए, बट कल के दिन जिसकी जैसे मूव आई है, आज हाई लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखी है, तो किसी के अगर लॉन्ग्स है तो वो थोड़ा सा एक होल्ड कर सकते हैं। मे बी आपको यहाँ से फिर से वो 18-19 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं जिस तरह का कल का वॉल्यूम था वो देखकर, और एक सपोर्ट अगर आप देखें तो एक 15 के आसपास आप एक सपोर्ट मान के चले, 15 से लेके 15 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन अभी थोड़ा सा फॉर्म हुआ है, तो वो एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। फ्रेश एंट्री आई वुड से स्टिल अभी अवॉइड ही करना चाहिए, बट अगर किसी ने लॉन्ग करके वो स्टक अप है तो थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा तेजी देखने को मिल सकती नई एंट्री मत लीजिएगा, लेकिन अगर आप पहले से इसमें इन्वेस्टेड हैं तो रुकिए फिर और इंतजार कीजिए ऊपर जाने का। अगला एक सवाल लेते हैं क्विकली, मनीष मौर्य भोपाल से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी बताइए क्या सवाल है। हाँ सर नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि एफएल इंडिया के मैंने 55 शेयर लिए हुए हैं अक्टूबर 2021 से, तो बीच में तो अच्छा दे रहा था लेकिन अभी गिरता ही जा रहा है, क्या करें इसको? अभी भी आप मुनाफा लॉन्ग टर्म का 30-31 रुपए फायदा है आपको भी। स्नेहा एफएल इंडिया इस पे देखिए क्या इनको अभी थोड़ा फायदा है। आई वुड से अगर आपके पास आप इसमें प्रॉफिट में है थोड़े भी तो आप निकल जाए, जिस तरह से अगर आप देखें तो एक बेस फॉर्मेशन हो रहा था अराउंड 930 जोन के आसपास जो कि कंपनी ने ब्रीच किया है, और उसके उससे भी ज्यादा अभी हमें कंटिन्यूअसली आप देखें तो रेड कैंडल्स ही कंटिन्यूअसली दिख रहा है और सेलिंग प्रेशर है इसमें, तो आई थिंक यहाँ पे और करेक्शन भी आ सकता है और मे बी आपको ये काउंटर एटलीस्ट मे बी 860-870 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो आई वुड से इसमें से एग्जिट कर ले जो भी प्रॉफिट से आप अपना बुक करें। मौर्य जी इसमें निकल रही है अभी जो कैंडल वाला चार्ट दिख रहा है उसमें लोअर 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 बनते जा रहे हैं, टॉप के लोअर बन रहे हैं, तो बेटर कि आप निकल लीजिए अभी भी 30-35 रुपए आप फायदे में हैं, जब और नीचे आएगा तो फिर री एंट्री करिएगा अगर आपको ये शेयर बहुत पसंद है तो। अच्छा एक राहुल श्रीवास्तव के एक शेयर है सोम डिस्टिलरीज पे, इन्होंने 100 शेयर ले रखे थे 140 पे, क्या करना चाहिए को मुनाफा बुक कर लें या और वेट करें भी? आप काउंटर रिपीट करें। सोम सोम डिस्टिलरीज आज इसमें खबर भी थी कि इनकी जो हासन यूनिट है उसमें प्रोडक्शन एनहांस हुआ है, सोम दिखाई ना डॉक्टर साहब? अगर आप ये काउंटर देखें तो यस हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है इस काउंटर में, और डेली चार्ट में कंसिस्टेंटली आप देखें तो 20 टेमा के ऊपर ही चल रहा है विच इज अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन अगर कोई काउंटर ऐसे ट्रेड करता है तो। आई थिंक यहाँ पे किसी की अगर लॉन्ग्स है तो होल्ड करना चाहिए, ऑलमोस्ट हाई के आसपास की है बट आई थिंक किसी के लॉन्ग्स है तो होल्ड करें, एक स्टिक स्टॉप लॉस आपका रहना चाहिए अराउंड 150 जोन के आसपास एक स्टिक स्टॉप लॉस रहना चाहिए, अगर किसी की फ्रेश एंट्री है तो उन्हें एक स्टिक स्टॉप लॉस अराउंड 160 का लगा के इसे होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में पोटेंशियल है इसमें, तेजी आ सकती है, अभी तो लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है तो और तेजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 178-180 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। 180 तक की टारगेट आ सकते हैं, इसको होल्ड किया जा सकता है और इसमें खबरें भी आई हुई हैं अभी। स्नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों की मदद करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।